किसानों लोगों में बच्चों को जागृत करने के उद्देश्य से ही मैंगो मेला लगाया गया है। हरियाणा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जयप्रकाश दलाल ने पिंजौर में कहा, यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में 30वें मैंगो मेले की शुरुआत हरियाणा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जयप्रकाश दलाल ने की। वह पहले दिन यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में 30वें मैंगो मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने डिस्प्ले किए गए आमों की तकरीबन 300 प्रजातियों को देखा। इनमें से बाहर से आए बागवानी ने किसानों ने मंत्री जयप्रकाश दलाल को आम भी खिलाए। उन्होंने आम चखने के बाद कहा कि कुछ आम खट्टे हैं जिनमें कुछ मीठे भी हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि मेला लगाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि इस तरह के आम से बने प्रोडक्ट और आमों की हज़ारों वैरायटियों को देखकर बच्चों, किसानों व आम लोगों में भी जागृति आती है। उन्होंने कहा कि यहाँ यादविंद्रा गार्डन में आम उत्सव का माहौल है। इसके लिए उन्होंने हरियाणा पर्यटन विभाग और हरियाणा बागवानी विभाग का धन्यवाद किया है, जिनके माध्यम से प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। हमारा ये जो पिंजौर गार्डन है, इसके अंदर जो 3 दिन का कार्यक्रम किया है मेला, खास करके आम के लिए, कि लोगों के अंदर जागरूकता आए कि कितनी तरह के आम हम हमारे किसान भाई पैदा करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट इससे बन सकते हैं। ये देखिए, फार्मर हैं, ये हज़ारों तरह के प्रोडक्ट बना रखे हैं, तो आम आदमी के अंदर जो जागृति भी आए और बच्चों को पता लगे कि वो किस तरह से किसान आम पैदा करते हैं, और मनोरंजन के साधन भी हैं, हमारी कल्चर के कल्चर प्रोग्राम भी हैं, तो एक उत्सव का माहौल है। और ये पिंजौर का तो स्थान ही ऐसा है जहाँ उत्सव मनाए जाते हैं। तो टूरिज़्म के विभाग का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे किसानों के लिए इतना अच्छा कार्य किया। सर, 300 प्रजातियाँ जो आम की हैं, वो विभिन्न प्रजातियाँ जो हैं यहाँ पर रखी हैं, तो किस तरह से देखते हैं हरियाणा में जो विभिन्न राज्यों की प्रजातियाँ? देखिए, हमारा जो भारत की भूमि है, यहाँ का क्लाइमेट है, मैं समझता हूँ कि जो प्रोडक्ट, जो प्राकृतिक चीज़ें हमारे यहाँ जो पैदा होती हैं, उनका स्वाद का मुकाबला दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। हमने सारी दुनिया भर के जाके हमने फल खाए हैं, लेकिन जो स्वाद हमारे फलों के अंदर है, प्रकृति की देन है कि उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। और भारत के माँ आम जो हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग मौसम में आते हुए, फरवरी में हमारे जो उधर से कोस्टल एरिया से आना शुरू हो जाता है और अब अगस्त तक आम चलेंगे, तो ये हमारी जो प्रकृति की देन है, इसका हम फायदा उठाते हैं और दुनिया को ये चीज़ें दिखाते हैं कि हमारी भूमि में कितनी ताजा। ठीक, थैंक यू।